दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के 21 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। एक्सरसाइज पॉलिसी केस में एक्शन लिया गया है उन पर। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। सीबीआई की टीम सिसोदिया के दिल्ली एनसीआर में 21 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने रेड सुबह करी और इसमें सिसोदिया का घर भी शामिल था। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी दिल्ली में हुए कथित एक्सरसाइज घोटाले को लेकर की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की कार्रवाई के बाद ट्वीट भी किए हैं। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि हम लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर वन पर नहीं आ पाया। सिसोदिया ने यह भी कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे जिससे सच सामने आ सके। उन्होंने ये दावा किया कि देश में अच्छी शिक्षा के लिए उनका काम नहीं रोका जा सकता। इस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली के विकास कार्य को रोकना चाहते हैं, इसीलिए छापेमारी की जा रही है। हम दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच या रेड हुई हैं, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने यह सिफारिश जुलाई में दाखिल की गई दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की।